और नेक्स्ट टॉपिक इज व्यवस्था या जिसको हम बोलते हैं दल विन्यास। ये हम लोगों ने जो 11th क्लासेस के अंदर कुछ थोड़ा बहुत इसका पढ़ा भी है हम लोगों ने। दल क्या होते हैं अभी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा है, जो रंगीन कलरफुल जो पंखुड़ियाँ होती है उसको हम दल कहते हैं, और पूरे फ्लावर में जितनी भी पंखुड़ियाँ हैं उनको कंबाइंडली हम दलपुंज कहते हैं, राइट। तो जो आप लोगों ने कभी फ्लावर को अगर देखा हो तो जो पंखुड़ियाँ होती है पर्टिकुलर पैटर्न में व्यवस्थित होती है। हो सकता है वो एक दूसरे के इस तरह से दूर दूर स्थित हो सकता है वो एक दूसरे को कवर करते हुए हो, ठीक है। तो ये जो जितने भी पुष्प पर दल होते हैं वो एक दूसरे की उपस्थित एक दूसरे के साथ एक व्यवस्था दर्शाते हैं फ्लावर के ऊपर। इस व्यवस्था को भी हम दल विन्यास या दल व्यवस्था कहते हैं। इसके वैसे भी आपके फ्लावर के अंदर दो प्रकार चार प्रकार दिए हुए हैं, तो कौन कौन से चार प्रकार हैं। सबसे पहला तो स्पर्शी, व्यावर्तिक, कोर छाती और ध्वज कोर छाती। सबसे पहले कोर छाती क्या होता है, इसके अंदर ये एक दो तीन चार ये चार आप देख रहे हो, ये सपोज करो रंगीन पंखुड़ी ये दल है, ठीक है। तो उसके जो अंतिम सिरे होते हैं वो सिर्फ एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। कोर मतलब किनारे, स्पर्श मतलब छूना, यानी एक दूसरे को काटते नहीं है, सिर्फ एक दूसरे के किनारे को क्या करते हैं, टच करते हैं। तो ये कोर स्पर्शी में ऐसा किसमें होता है, सीताफल के जो प्लांट होता है उसके अंदर आपको उनके फ्लावर्स के अंदर आपको देखने को मिल सकता है ये वाली व्यवस्था। फिर सेकंड होती है व्यावर्तिक। व्यावर्तिक के अंदर क्या होता है, जैसे ये दल है ये दल है ये दल है ये दल है, तो इस दल का एक किनारा तो अंदर की तरफ है एक किनारा बाहर की तरफ है। ये बाहर वाला इस दल के एक किनारे को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, यानी इसका एक किनारा अंदर है और एक का किनारा क्या है बाहर, यानी इसके अंदर दल जो होते हैं उनके एक किनारा तो कवर रहते हैं और एक किनारा तो अंदर कवर्ड नहीं होता किसी अन्य दल से, ठीक है। यानी किनारा अंदर और बाहर होता है, इसको हम कहते हैं व्यावर्तिक व्यवस्था, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गुड़हल के अंदर होता है। फिर आती है कोर छाती व्यवस्था। कोर छाती के अंदर ये दल देखो, एक दल बिल्कुल अंदर होता है, यानी इसके दोनों किनारे अंदर है, ये वाला भी ढका हुआ है और ये वाला भी ढका हुआ है। तो एक दल जो होता है वो पूरा का पूरा क्या होता है, उसके दोनों किनारे ढके हुए रहते हैं, ठीक है। और ये वाला दल देखो क्या है, इसके दोनों किनारे क्या है बाहर, ठीक है। तो कोर छाती व्यवस्था वो व्यवस्था होती है जिसके अंदर यानी जितने भी दल हैं उसमें से एक जो होगा वो अंदर, उसके दोनों किनारे अंदर होंगे और एक दल ऐसा होगा उसके दोनों किनारे क्या होंगे बाहर होंगे। बाकी अप्रोक्स जो तीन होते हैं या दो होते हैं, बाकी जो बचते दल हैं उनका एक किनारा अंदर होगा एक किनारा बाहर होगा, यानी एक किनारा जो है वो फ्री होगा और एक किनारा किसी अन्य दल की सहायता से क्या होगा कवर्ड होगा। फिर होता है ध्वजक, ये जो होता है वो मटर के अंदर मिलता है, और ये कोर छाती जो है वो ब्लूमोहर का जो प्लांट होता है उसके अंदर देखने को मिलता है। ध्वज कोर छाती क्या होता है, ध्वज कोर छाती के अंदर एक बड़ा जो दल होता है वो प्रेजेंट होता है, फिर उसके बाद उसके अंदर दो होते हैं और दो सबसे छोटे होते हैं जो सबसे अंदर होते हैं और आपस में एक दूसरे को इस तरह से चिपके हुए होते हैं। आगे बात समझ में, तो ऐसी व्यवस्था देखने को किसमें मिलती है मटर में।